हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आखिर ऐसा क्या किया भारत ने कि खुश हो गया चाइना। ग्लोबल टाइम्स ने कर दी भारत और मोदी जी की जमकर तारीफ। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर दिया बड़ा बयान, साथ ही साथ कश्मीर पर अलापा पुराना राग। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत के साथ एससीओ समिट में हिस्सा ही ले रहे थे पुतिन की, अचानक रशिया पर हो गया ड्रोन से हमला, मॉस्को को बनाया गया था निशाना। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी शख्स ने, पाकिस्तानी अवाम ने खुद हिंदुओं के हालात पर पूरे दुनिया के सामने दुख किया बयां, कहा 1550 मंदिरों पर बन गई बिल्डिंग और पार्किंग। जी हां दोस्तों, और साथ ही किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, अब 6000 की जगह मिलेंगे 12,500 रुपए सालाना, हो गया बड़ा बदलाव। और पुरानी पेंशन योजना वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, तो सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत की अखंडता संप्रभुता का दिल से समर्थन, दिल से सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने ऐसा क्या किया कि खुश हो गया चीन, अचानक करने लगा भारत की जमकर तारीफ। बता दे रशिया और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत को डिस्काउंट रेट में क्रूड ऑयल मिल रहा है। आप सभी जानते ही हैं, अभी तक भारत रशिया से रुपए के बदले में क्रूड ऑयल ले रहा था, लेकिन रशिया के दबाव के बाद अब भारत की रिफाइनरियों ने कुछ पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रशिया और भारत दोनों को ही पेमेंट के लिए डॉलर का विकल्प खोजना था, युआन में पेमेंट के बाद सही चाइना गदगद हो गया है। चीन के माउथ पीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत का ये कदम डी डॉलरीकरण प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम है, इसके साथ ही उसने युआन के बढ़ते अंतरराष्ट्रीयकरण की तारीफ कर दी। जी हां दोस्तों, चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत के पेमेंट से युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने अनुसंधान केंद्र फॉर डिजिटल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन के निदेशक पेन हेलिन के हवाले से कहा है कि भारत के कदम से युआन का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और दुनिया के बाजारों में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनेंस और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक डोंग डेग सिन ने कहा कि यह कदम चाइना, भारत और रशिया में डी डॉलरीकरण को बढ़ाएगा, यानी कि डॉलर के वैल्यूज को गिराएगा और युआन को बढ़ाएगा, चाइना के मुद्रा को बढ़ा देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रशिया से तेल का आयात जून में रिकॉर्ड बना चुका है। जून में हर रोज इसकी मात्रा 22 लाख बैरल हो गई है। जी हां दोस्तों, और अब यही सबसे बड़ा कारण है कि रशिया के दबाव के बाद भारत की रिफाइनरियों ने कुछ पेमेंट चीनी मुद्रा में क्या ले लिया दोस्तों, चाइना गदगद हो गया, चाइना को लग रहा है कि वो आसमान में पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, अभी से ही हसीन ख्वाब देखने लगा है कि डॉलर की कीमतें गिर जाएंगी, डॉलर की वैल्यूज गिर जाएंगी और हमारा युआन ऊपर चला जाएगा, ऐसा चाइना का मानना है। बहरहाल दोस्तों, और इसी कारण उन्होंने भारत की जमकर तारीफ किया कि आगे से भी भारत युआन में ही पेमेंट करे। लेकिन दोस्तों शायद चाइना को यह नहीं पता कि भारत में किसकी सरकार है, भारत में और भारत का कौन है प्रधानमंत्री। अगर किसी को भारत ऊपर चढ़ा सकता है तो गिराने में भी समय नहीं लगाता। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने अगर ये कदम उठाया होगा तो वाकई में दोस्तों जब कोई चारा नहीं बचा होगा तब भारत ने यह कदम उठाया होगा। ऐसे में अगर आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर दिया सबसे बड़ा बयान और फिर साथ में लपेटा अलापा पुराना वही कश्मीरी राग। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एससीओ समिट को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर अपनी बात रखी, उन्होंने आतंकवाद को कई सिरों वाला राक्षस तक बता डाला। हालांकि इस दौरान शरीफ वही पुराना कश्मीर राग अलापने से बाज नहीं आए। एससीओ समिट को इस्लामाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के कई सिर वाले राक्षस की तरह हैं, इससे पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इसे कूटनीतिक फायदे के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ भी आगाह किया। भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात की। जी हां, बता दे शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की और लंबित
विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की तीन बुराइयों के बारे में बात की और एससीओ देशों से इन बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अपने राष्ट्रीय और सामूहिक क्षमता दोनों के साथ ठोस और तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह तक कर डाला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक परिभाषित विशेषता बन गई है। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPC के बारे में कहा कि ये क्षेत्र में संपर्क और समृद्धि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि भारत ने CPEC पर चाइना के समक्ष आपत्ति दर्ज करा चुका है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। शरीफ ने पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ का भी जिक्र किया। यानी कि दोस्तों, इस खबर से ये निष्कर्ष निकलता है कि मंच पाकिस्तान के लिए चाहे कुछ भी हो, कश्मीर का राग जरूर अलापेगा दोस्तों, जो कि वास्तव में पाकिस्तान का है ही नहीं। इस पर आपका जवाब देना चाहेंगे शहबाज शरीफ को कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भारत के एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे थे पुतिन, तब रशिया पर हो गया ड्रोन हमला। मॉस्को को बनाया गया था निशाना। बता दें, रूसी वायुसेना ने मंगलवार को दावा किया कि उसने मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि हमले के चलते शहर के एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कुछ देर के लिए बंद किया गया था। प्राइवेट ग्रुप वैगनर के प्रमुख की ओर से रशिया के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने के लगभग 11 दिन बाद मॉस्को पर ड्रोन के जरिए हमले का यह पहला मामला सामने आया है। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी क्षेत्र पर हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को के बाहरी इलाके में 5 में से 4 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन को तकनीकी मदद से निष्क्रिय किया गया। मॉस्को के मेयर सरगेई एस ने कहा है कि इस हमले में किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ड्रोन हमले के कारण अधिकारियों को मॉस्को के नुकोवो हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से प्रतिबंधित करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां 1550 मंदिरों पर बन गई बिल्डिंग और पार्किंग। जी हाँ, पाकिस्तानी शख्स ने हिंदुओं के हालात पर कैमरे पर किया अपना दर्द बयां। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक पूर्ण रूप से इस्लामिक देश है। वहां लगभग 23 करोड़ की आबादी है। भारत और पाकिस्तान को एक ही वक्त आजादी मिली थी। हालांकि आज के हालात से तुलना की जाए तो पाकिस्तान की तुलना में भारत में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों को हर तरह के हक मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तान के हिंदू शख्स से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, खासकर हिंदू धर्म के बारे में जानना चाह। यूट्यूबर के सवाल का जवाब देते हुए शख्स ने दावा किया कि पाकिस्तान में लगभग 1550 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बिल्डिंग और पार्किंग स्पॉट बना दी गई है। खुद दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में आजादी के बाद से वहां रहने वाले हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पहले हिंदुओं की आबादी 20% थी, जो अब 1% तक सिमट कर रह गई है। दोस्तों ये तो बहुत बड़ा, यूं कह ले 90% की गिरावट देखने को मिली है पाकिस्तान में हिंदुओं की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब भी पूरा विश्व इस पर नहीं जाएगा और पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया दोस्तों, तो शायद वहां हिंदुओं की जनसंख्या 1% भी ना बचे। जी हाँ दोस्तों, उसके बावजूद भी पाकिस्तान उल्टा भारत के ही अल्पसंख्यकों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है जबरदस्ती। अब दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आप लोग पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी लगातार घट रही जनसंख्या पर क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? इसका क्या उपाय हो सकता है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई रियलिटी से अवगत हो सके दोस्तों, सच्चाई को समझ सके। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए मोदी सरकार। भारतीय दूतावास में आग लगाने वाली घटना पर भड़की कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों द्वारा आगजनी की कोशिश किए जाने की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार को अपने दूतावासों, उच्चायोगों एवं राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को न्याय के जद में लाया जाना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हमले और आग लगाने के प्रयास की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निंदा करती है। हम गहरी चिंता के साथ इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारतीय राजनयिक मिशनों को लगातार हमलों और धमकियों को सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सैन फ्रांसिस्को से पहले ब्रिटेन में हमला हो चुका है और कनाडा में हिंसा की धमकियां मिली है। इसी साल मार्च में सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास पर पहले भी हमला हो चुका है। जी हां दोस्तों, खेड़ा ने कहा कि
मामले की गंभीरता, निरंतरता और खतरे की आशंका को देखते हुए हम भारत सरकार से भारतीय राजनयिक मिशन और इनमें कार्यरत लोगों की सुरक्षा के लिए उन देशों की सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाने की अपील करते हैं जहां ऐसे हमले हो रहे हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि इस हमले के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सरकार बिना किसी के राय लिए ही बड़ा एक्शन ले लेती है दोस्तों, वैसे में इस पर कोई राय ना ही दे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि किसी के कहने से पहले ही भारत सरकार ने एक्शन ले लिया होगा और जो जरूरी कदम होंगे वो उठाए गए होंगे, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 के बाद कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की रौनक बढ़ी है, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में उभरा श्रीनगर। जी हां दोस्तों, श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद घाटी में विदेशी पर्यटकों की रौनक बढ़ी है। विदेशी पर्यटकों के यहां आगमन का यहां आंकड़ा आने वाले महीनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के भूमिहीन परिवारों के लिए 5 मरला भूमि की भी घोषणा करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्रीनगर स्थित राजभवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा कि इस साल 22 मई से 25 मई तक श्रीनगर में हुई G20 बैठक जम्मू कश्मीर में पर्यटन सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि G20 बैठक में भाग लेने वाले एक अच्छा संदेश लेकर अपने अपने देश लौटे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर सऊदी अरब के बाद अब रशिया ने भी ले लिया ये बड़ा फैसला, क्या भारत पर पड़ेगा भारी? बता दें सऊदी अरब और रशिया के फैसले का असर भारत पर सीधा पड़ सकता है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई महीने में 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया है जो कि अगस्त तक जारी रहेगा। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA ने बताया है कि अगस्त में उसका तेल उत्पादन प्रतिदिन 90 लाख बैरल प्रतिदिन होगा। SPA सूत्रों के हवाले से लिखता है कि तेल उत्पादन करने वाले देशों के समूह OPEC+ के तेल बाजार को स्थिरता देने के प्रयासों की कोशिशों के लिए यह फैसला लिया गया है। तो वहीं सऊदी अरब को देखते हुए रशिया ने भी अगस्त में प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल निर्यात कम करने का फैसला किया है। दोस्तों समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मॉस्को की ये कोशिश सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल के वैश्विक दामों में उछाल लाने की है। सऊदी अरब और रशिया के फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में 1.6% का उछाल आया है और एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $76.60 तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फैसले से भारत में कहीं ना कहीं तेलों के दाम बढ़ेंगे या कोई असर नहीं पड़ेगा? आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां UPETS की गिरफ्तारी के बाद दोनों आतंकियों ने किया सबसे बड़ा खुलासा, बताया कि आतंक की फौज तैयार करने की थी इनकी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, UPETS द्वारा राज्य से 2 आतंकियों रिजवान और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी से गिरफ्तार किए गए सद्दाम और रिजवान ने आतंकियों की एक बड़ी फौज तैयार करने की प्लानिंग की थी। जानकारी के मुताबिक जहां रिजवान आतंकी समीर टाइगर की मौत का बदला लेना चाहता था, तो वहीं सद्दाम बम बनाने का सीखने के लिए एक बम एक्सपर्ट की तलाश कर रहा था। आपको बता दें कि समीर टाइगर A++ कैटेगरी का आतंकी था और बुरहान वाणी के एनकाउंटर के बाद वो घाटी में आतंकियों का पोस्टर बॉय बन गया था। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां जिस लड़के के मर्डर के कारण जल रहा फ्रांस, उसे मारने वाले पुलिस कर्मी को मिले 8 करोड़ रुपए। आखिर क्यों दोस्तों? आपको बता दें, फ्रांस में 17 साल के लड़के नाहेल मिर्जो की हत्या करने वाले पुलिस कर्मी को डोनेशन में अभी तक $1.07 मिलियन यानी कि करीब करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। जी हां, इस हत्या के बाद से ही फ्रांस जल रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शांति के लिए कई बार लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि ये गुनाह माफी के लायक नहीं है और कानून अपना काम करेगा। बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर स्कूल वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई स्टोर्स में तोड़फोड़ के साथ लूटपाट तक की गई। मिरर UK की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी के लिए धुर दक्षिणपंथी मीडिया टिप्पणीकार, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों और उसके सहयोगियों ने GoFundMe पेज सेट किया था। दूसरी तरफ जिस लड़के की हत्या हुई उसके परिवार के लिए भी ऐसा ही एक डोनेशन पेज सेट किया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात और गौर करने वाली बात यह है कि जिस पुलिसकर्मी ने उस लड़के को मारा दोस्तों, उसको आखिर इतने 8 करोड़ रुपए क्यों दिया गया? साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें फ्रांस भुगत रहा है अपनी गलती की सजा। ऐसा हम नहीं दोस्तों, इस्लामिक नेता ने कहा कि कट्टर मुसलमानों को देश में भरने से यही होगा अंजाम। जी हां दोस्तों, बता दें फ्रांस में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर
17 वर्षीय किशोर की पुलिस कार्रवाई में मौत के बाद इसे गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें अब तक 3300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस्लामी मौलाना मोहम्मद ताहिदी का एक वीडियो जो कि पुराना है वो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौलाना तौहीद चेतावनी देते नजर आ रहे कि जिस तरह किसी देश में इस्लामी प्रवासियों को जगह देना खतरनाक हो सकता है। मौलाना तौहीद का ये वीडियो सितंबर 2022 का है। जी हाँ दोस्तों, तौहीद ने कहा है कि आतंकवाद को दो तरह से अंजाम दिया जा रहा है। पहला ये मुस्लिम दुनिया के भीतर किया जाता है और दूसरा मुस्लिम दुनिया के बाहर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह मुस्लिम देश ही इस्लामी कट्टरपंथियों को अपने यहाँ जगह नहीं देते मगर उन्हीं कट्टरपंथियों का पश्चिमी देश हाथ खोलकर स्वागत करते हैं और बाद में उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते वाकई में बिल्कुल सही बात कही गई है इस इस्लामिक नेता के द्वारा कि कट्टर मुसलमानों को देश में भरने से यही होगा। तो दोस्तों इस पर आपकी निजी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इनके बयान को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं जहाँ पर जापान दौरे पर बिलावल भुट्टो अपनी बहन के साथ पहुँचे तो आखिर क्यों भड़क गए पाकिस्तानी, क्या है इसकी असली वजह आपको बता दें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शनिवार को 4 दिवसीय जापान दौरे पहुँचे। बिलावल सरकार के निमंत्रण पर जापान पहुँचे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट में दी। हालांकि उन्होंने जापान पहुँचने पर जो तस्वीर शेयर की है उसे देख पाकिस्तानी भड़क गए हैं। दरअसल जापान दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ गए हुए हैं जिस पर विपक्ष समेत देश के आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि आखिर जापान दौरे पर बिलावल भुट्टो को अपनी बहन को लेकर जाने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकारी खर्चे पर बिलावल भुट्टो अपने परिवार को भी ट्रिप क्यों करवा रहे हैं। विपक्षी दल पीटीआई का कहना है कि देश डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है और राजनेताओं के परिवार करदाताओं के पैसे से विदेश घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली एक और खबर की बात करें जहाँ कनाडा में खालिस्तान समर्थकों संगठनों ने भारत के खिलाफ खोला नया मोर्चा, कनाडाई सांसद भी दे रहे हैं इसका साथ। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डेल्टा के प्रमुख भाई हरदीप सिंह निज्जर की स्मृति में बनाई गई समिति द्वारा एक शहीदी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कनाडा के सांसदों व गुरु नानक सिख गुरुद्वारा की प्रबंधन समिति ने भाई निज्जर के निधन को कनाडा के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। सभा में पंथक वक्ताओं ने भाई हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की धरती पर खालिस्तान का पहला शहीद घोषित किया और कहा कि अब भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कनाडा में भारत द्वारा बेचे जाने वाले सभी सामानों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अगली खबर की बात करें जहां पर रशिया को लेकर नाटो ने बनाया प्लान, शीत युद्ध के बाद संगठन की मिलिट्री योजनाओं में होगा सबसे बड़ा बदलाव। जी हां, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में जारी जंग में रूस के बलों को नुकसान हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पटकनी दे दी गई है। नाटो के अधिकारी ने शीत युद्ध के बाद संगठन की सैन्य योजनाओं में सबसे बड़ा फेरबदल पेश किया है। नाटो की सैन्य समिति के प्रमुख रोब बॉयर ने पत्रकारों से कहा कि वे भले ही 11 फुट लंबे नहीं है लेकिन वे निश्चित रूप से 2 फुट के नहीं है, लिहाजा हमें रूसी और पलटवार करने की उनकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके नाटो समकक्ष लिथुआनिया की राजधानी विनियस में अगले हफ्ते होने वाले शिखर सम्मेलन में गठबंधन की योजना प्रणाली में बड़े फेरबदल को लागू करेंगे। नाटो ने परमाणु हथियारों से लैस रशिया के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है। नई योजना के तहत नाटो का लक्ष्य 30 दिन के अंदर 3,00,000 सैनिकों को अपने पूर्वी हिस्से में जाने के लिए तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दे जहाँ लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, इस दांव से छूटेंगे विपक्ष के पसीने। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 और कई विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। बीजेपी ने कल 4 राज्यों में बड़े बदलाव कर अपने मनसूबे साफ कर दिए हैं। ये चारों वो राज्य है जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इनमें से 2 राज्यों में पार्टी ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है जबकि जिन 2 राज्यों में पार्टी का आधार कमजोर है वहां दूसरे दलों से आए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी द्वारा किए गए इन बदलावों में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। लंबे समय से तेलंगाना में पांव पसारने के प्रयासों में जुटे बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी प्रकार झारखंड में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पंजाब में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी जी और बीजेपी ने
बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होने वाली होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि 2024 में लोकसभा चुनाव कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, देखते हैं भारत की जनता इसका क्या जवाब देती है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, क्या कहीं कैबिनेट में फेरबदल की तो अटकले नहीं है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री में फेरबदल की संभावना को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का सिलसिला जारी है। निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार यानी 4 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां संविधान का जिक्र करके बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा समान नागरिक संहिता को जल्द से जल्द लागू करने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि UCC को लागू करने का अब सही समय आ गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के संस्थापकों जिस UCC की परिकल्पना की गई थी उसे लागू करने का अब सही वक्त आ गया है। अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश अपने नागरिकों के लिए UCC को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थापकों की विचार प्रक्रिया थी, इसके एग्जीक्यूशन का समय आ गया है और इसमें कोई बाधा या ज्यादा देरी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे में आप भी यानी भारत की जनता भी UCC लागू होने का समर्थन करती है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, अब 6,000 की जगह मिलेंगे 12,500 रुपए सालाना, हो गया बड़ा बदलाव। बता दें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं। अगर आप भी किसान है तो अब आपकी इनकम में इजाफा होने जा रहा है। PM किसान योजना के बाद में अब राज्य सरकार ने भी किसानों को 6,500 रुपए देने का फैसला लिया है। यानी अब से किसानों को सालाना 12,500 रुपए का फायदा मिलेगा, लेकिन 6,500 रुपए का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 6,500 रुपए देने का फैसला लिया है। जैविक कॉरिडोर योजना यानी ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत ये पैसा किसानों को मिलेगा। 20,000 एकड़ में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ ये पैसा देने का फैसला लिया गया है। ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर आप इस साल के बाद भी यानी अगले साल भी इस खेती को करते हैं तो अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए 6,500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और ये दोस्तों 6,500 रुपए एक्स्ट्रा बिहार सरकार देने वाली है। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो बिहार के हैं और कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में अपनी राय और जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए खोले जा रहे हैं GPF खाते। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए NPS से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 3 जुलाई रखी गई थी, जिसके बाद अब प्रदेश के 1,18,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए GPF खाते खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों बहनों में शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए